ये है अपनी बाइक, गंदी हो रही है क्योंकि मैंने साफ नहीं करी थी। बहुत बहुत कम चलाता हूँ इसे, मैं बहुत कम चांस मिलते हैं इसे चलाने के, क्योंकि ज़्यादातर मैं संडे राइड जब करता हूँ तो सुपर बाइक उठाता हूँ, सुपर बाइक चलाता हूँ, या फिर अगर मेरे को कहीं काम से जाना होता है, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मैं फोर व्हीलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कार ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है N250 पल्सर N250 पर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि जिसमें जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने इसमें टायर के और विंड स्क्रीन के, जो विंडशील्ड है उसके, और जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट के क्या क्या चेंजेस कराए हैं, उसका एक ब्रीफ वीडियो चाहिए था उन्हें, और कैसे कराना है ये सारी चीज़ जानना चाह रहे थे, तो उसके लिए ये वीडियो है। बहुत सारे बंदे कमेंट करके पूछ रहे थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है, मॉडिफिकेशन और कैसे कैसे कराई है, एक प्रॉपर वीडियो चाहिए। जैसे नंबर प्लेट हो गया और टायर हो गए, है ना, टायर पे क्या मॉडिफिकेशन कराई है मैंने, और जो इसकी विंडशील्ड लगाई है मैंने, वो कैसे लगवाई है, क्या अलग कराया है, तो ये सारी नंबर प्लेट और विंडशील्ड और टायर की मॉडिफिकेशन की एक अलग से वीडियो चाहिए थी, तो ये सारी वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसमें मैंने क्या क्या कैसे कैसे कराया है, और नंबर प्लेट ऊपर नहीं है नीचे है, उस पर चलान तो नहीं होगा, और क्या इशू आ रहा है उसको वहाँ पे करने से, और क्या सही है। सो गाइस, मैं ना उसमें देखो, मैंने तो करा लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए बोलूँगा मैं, क्योंकि जो मैंने कराया उससे कुछ इशू क्रिएट हुआ है बाइक में, नंबर प्लेट से मैं कह रहा हूँ, तो नंबर प्लेट से जो इशू क्रिएट हुआ है उसको अगर फिक्स करना है और वो इशू आपके साथ ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि नंबर प्लेट का साइज़ ना थोड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा क्या, जहाँ पे मैंने लगाया उसको उतना स्पेस नहीं मिलता कि जब मैं फ्रंट ब्रेक मारता हूँ, देखो ऐसे ऐसे ये वाली, तो नंबर प्लेट जो है ना वो नीचे मडगार्ड पे टच होती है ना, वो कहाँ पे टच होती है, कैसे टच होती है, और उससे कहाँ इशू आ रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली उससे निशान आ गए हैं, और निशान आने की वजह से ना वहाँ का वो पर्टिकुलर मडगार्ड के ऊपर का जो पेंट है, वो पेंट एक्चुअल में हट गया है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा निशान आ गए हैं, जो विच कैन नॉट बी रिपेयर इन फ्यूचर, ठीक है, वो या तो मडगार्ड ही चेंज करना पड़ेगा, या फिर उसे प्रॉपर पूरा मडगार्ड पेंट कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं वहाँ पे कोई स्टिकर लगवा सकता हूँ जिससे कि वो जो पेंट हटा है वो चीज़ बच जाए, हट जाए, वो कवर हो जाए, ठीक है। तो उसका सलूशन तो यही है कि अगर सस्ते में निपटाना हो उसे तो कोई स्टिकर लगवाना पड़ेगा। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंडस्क्रीन से। सो विंडस्क्रीन का ये है विंडस्क्रीन, ये एक स्क्रू है, ये स्क्रू है, और यहाँ पे सेम ये स्क्रू है और ये स्क्रू है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में वी शेप में एक ब्रैकेट बनाया हुआ है, ये देखो ये ना, ये और ये, यहाँ से एक वी शेप में ब्रैकेट बनाया हुआ है, तो जिस पे नंबर प्लेट मैंने स्क्रू करवाई हुई है, जिस पे मैंने नंबर प्लेट स्क्रू कराई है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये नंबर प्लेट, वो जो ब्रैकेट है वो कहाँ लगाया है। सो जब हम बाइक लेते हैं तो ये नंबर प्लेट जो है, ये जो अभी मैंने यहाँ लगाई है, ये यहाँ पे लगी हुई आती है, तो एक स्क्रू यहाँ होता है, एक स्क्रू यहाँ होता है, तो वो नंबर प्लेट यहाँ पे थी, उसको वो इतना बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये साइज़, तो इसे मैंने यहाँ से कटवाया और नंबर जो ये ब्रैकेट बनाया विंडशील्ड के लिए उसको उस पर वेल्ड करा के और स्क्रू करके, और ये नंबर प्लेट मैंने एडजस्ट करा दी है, ठीक है, मतलब ये विंडस्क्रीन मैंने एडजस्ट, तो उसे स्क्रू करके वेल्ड करा के और विंडस्क्रीन मैंने इस पर स्क्रू करा दी है, ठीक है, माउंट हो गई है। अब बात करते हैं नंबर प्लेट की, ठीक है, तो ये देखो ये वाला स्क्रू दिख रहा है, ऐसा ही एक स्क्रू इस साइड है, ये देखो ये रहा, है ना, तो ये जो नंबर प्लेट है ये मैंने मतलब दो एल टाइप के, ये देखो इस तरह से,
मैंने इस तरह से दो ब्रैकेट बनवाए, ठीक है, और नंबर प्लेट को उसके ऊपर स्क्रू करा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है जिसकी वजह से जब मैं इसे फ्रंट ब्रेक जब यूज़ करता हूँ तो ये यहाँ पे आके लगती है, यहाँ पे लगती है। अब यहाँ पे लगने की वजह से ये देखो यहाँ से ना पेंट हट गया है, दिख रहा है, तो ये यहाँ से पेंट हट गया। पहले ये जो स्टिकर है ये हटा, ये फटा, और उसके बाद यहाँ से पेंट हट गया, और यहाँ से ये नंबर प्लेट, ये वाले जो नंबर प्लेट है, ये वाली जो नंबर प्लेट है ना, ये यहाँ पे टकरा टकरा के इसने यहाँ से भी पेंट हटा दिया, ठीक है। सो ये एक इशू इसमें नंबर प्लेट से आया है, क्योंकि अब ये ना सिर्फ रिपेयर हो सकता है, रिपेयर या फिर इसे चेंज कराना पड़ेगा। चेंज होगा तो ये पूरा ही चेंज होता है, पूरा मडगाड़, ठीक है। अब यहाँ पे या तो मेरे को कोई स्टिकर लगाना पड़ेगा या फिर यहाँ पे कुछ फोम वगैरह लगा के भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसे काटेगा ही काटेगा अगर मैं जैसे फ्रंट ब्रेक थोड़ी हार्ड मारता हूँ तो, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट नंबर प्लेट और विंडस्क्रीन, जो विंडशील्ड मैंने लगाई है, उन दोनों का मॉडिफिकेशन। अब करते हैं टायर की बात। सो टायर में क्या हुआ है कि मैंने इसमें लगा हुआ था 130 नंबर का टायर, ठीक है, तो अभी जो मैंने लगाया है वो 150 नंबर है। तो ये है देखो मिशलिन एंड 150/60/17 ये मैंने टायर लगवाया। अब ना बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई आपने नंबर प्लेट, मतलब जब जो आपने टायर आपने लगवाया तो उससे आपकी जो बाइक की माइलेज है वो भी कम हुई होगी, है ना। सो गाइस ये मैं मानता हूँ कि जब मैंने इसका टायर का मॉडिफिकेशन कराया तो ऑब्वियसली जो इसकी माइलेज है उस पर फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं पड़ा। उसका रीज़न ये है कि इसके जो रिम है ना, ये जो पीछे वाले रिम है, ये रिम थोड़ा सा एक्चुअल में पतला है, ठीक है। तो अगर टायर का सेक्शन अगर चौड़ा कराएंगे, थोड़ा बड़ा कराएंगे, तो ऑब्वियसली इंजन पे फ़र्क पड़ता है कि थोड़ा वो खींचने में थोड़ा सा और ज़्यादा जोर लगता है, तो 1-2 किलोमीटर का फ़र्क आता है। अब इसमें क्या हुआ है कि जब ये टायर मैंने चेंजेस कराए इसमें, तो रिम ना ऑलरेडी पतला है, तो 150 नंबर लगवाने के बाद, लुक एट दिस, 150 नंबर लगवाने के बाद भी ना इसमें ब्रॉडनेस आई नहीं, क्योंकि इसके रिम पतले हैं। अगर इसका रिम थोड़ा चौड़ा होता जैसे डोमिनार का है, तो इसके टायर का जो सेक्शन है वो भी थोड़ा सा चौड़ा इसमें लगता, ठीक है। अब अगर इसका रिम पतला होने के कारण जब इसका टायर पूरी ब्रॉडनेस नहीं ले पाया, तो इसलिए माइलेज पे कोई खास फर्क आया नहीं, ठीक है। तो ये है उन लोगों को जवाब जो ये कह रहे हैं कि भाई ये बंदा बेवकूफ बना रहा है और 50 तरह की चीज़ें बोल रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जब रिम पतला है और टायर पूरा 150 नंबर अगर पूरा ब्रॉडनेस नहीं ले पाया, तो उसकी वजह से चेंज कराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और माइलेज पे कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि वो उतना ही एरिया कवर करके चल रहा है जितना कि 130 सेक्शन नंबर का टायर एरिया कवर करके चलता है। तो इसलिए इंजन पे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है, हल्का फुल्का भी खींचने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माइलेज में कोई फ़र्क नहीं आया, और आप इसे 150 नंबर ना ही कराओ तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप कराना चाहते हो और आपको चौड़ा टायर चाहिए तो आपको रिम भी चेंज कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसके रिम है पतले। आपको डोमिनार टाइप का थोड़ा चौड़ा टायर, चौड़ा रिम लगवाना पड़ेगा। उसके लिए आप देख लीजिएगा कि इसमें जगह है या नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका टायर, और इसके अलावा ये है इसकी विंडशील्ड, और वो मैंने नंबर प्लेट का आपको बता दिया। तीन चीज़ मैंने इसमें मेजर जो चेंजेस कराए थे वो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो ये है उन सब लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स जो लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, जो भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी व्यूवर हैं। अभी इसलिए इतना शोर आ रहा है क्योंकि ये देखो ये चलती रोड है ना, तो यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह है थोड़ा सा। सो गाइज कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में। राइड सेफ, टेक केयर, गुड बाय।